नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं Redmi का 6A के FRP बाईपास कैसे करते हैं। जहाँ जो जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे आप क्लिक करते जाइए। आपको हम पहले दिखा दे रहे हैं कि इसमें ये मोबाइल एक्चुअली में फॉर्मेट हो चुका है और इसकी मेल आईडी नहीं पता है, तो इसको कैसे इसकी मेल आईडी रिमूव करते हैं इसके बारे में आपको हम बताएंगे। या फिर आपको इसका पैटर्न पता हो तो आप पैटर्न डाल दीजिए। नहीं, ये देखिए ज़्यादा टाइम ले रहा है उसके। या फिर आप मेल आईडी पे क्लिक करके ओके करें, वो पुरानी मेल आईडी इसमें जो है वो डालें, तब जाके आपका मोबाइल चालू होगा। अगर ये अगर आपको इसकी पुरानी मेल आईडी भी नहीं पता, इसका पैटर्न नहीं पता, तो आप मोबाइल को कैसे आप अनलॉक करते हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये Redmi का 6A मॉडल। आपका जो वाईफाई कनेक्ट हो या नेट कनेक्ट हो उसको पहले आप डिसकनेक्ट कर दीजिए। इसको स्किप कर दीजिए। जहाँ भी स्किप करें और ये आपको जो ऊपर वाला स्क्रीन का ऑप्शन देखिए पर ओनली लॉक स्क्रीन, यहाँ पे क्लिक करें, पैटर्न पे क्लिक करें, गाइड पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है कोई आप पैटर्न डाल दें, फिर ओके आगे बढ़ाएं सिंपल पे, फिर यहाँ पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे आ जाएं। तो देखिए ये जो है सेट आपका अभी भी चालू नहीं होगा, इसका दूसरा इसके आगे का प्रोसेस अभी और है, लेकिन जब तक ये पहला प्रोसेस आप करेंगे नहीं तब तक दूसरे प्रोसेस में पहुंचेंगे नहीं। तो यहाँ से आपको वेट करना पड़ेगा लोडिंग ऐप्स का, जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाई जा रही है, इसका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग किस आप वीडियो को नहीं करें इस जानकारी को। अगर आपका ही मोबाइल है तो आप उस मोबाइल को ऐसे खोलें। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए नॉट साइन इन, फिर सेटअप पर क्लिक करें। सेटअप पर क्लिक करने के बाद सिंबल पर क्लिक करें। सिंबल पर क्लिक करने के बाद इंडिया यहाँ पर क्लिक करें और आप वाईफाई कनेक्ट कर लें। वाईफाई या मोबाइल डाटा कुछ भी क्लिक कर लें, उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आई रीड नॉट एग्री पे क्लिक, टर्म एंड कंडीशन ओके करें, फिर आगे बढ़ें, इससे स्किप करें, स्किप करें ओके, यहाँ आगे बढ़ें। डोंट कॉपी, और यहाँ पे जो अब जब ये पैटर्न मांग रहा है तो यहाँ पे आपने जो पैटर्न डाला था वो डाल दें, इसके बाद मोबाइल आगे बढ़ जाएगा। और ये देखिए अभी तक जो इस पे जो है स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये स्किप का ऑप्शन आपका शो करने लगा। अब इसको स्किप कर दीजिए, यहाँ पर मतलब आपको मेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, एक्सेप्ट करें
इसे स्किप कर दें, यहाँ पे क्लिक करें, फिर क्लासिक पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करें, ये ऐप्स अगर आपको चाहिए तो इंस्टॉल कर, अदरवाइज स्किप कर दें। वी वैल्यू योर प्राइवेसी एंड कैन डाउनलोड ऐप्स, ओके क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए आपका मोबाइल इस तरीके से चालू हो जाएगा। अगर आप मेल आईडी भूल जा रहे हैं अपने मोबाइल के रेडमी 6A की, तो आप ये प्रोसेस अपना के अपना मोबाइल दोबारा से चालू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।